नमस्कार दोस्तों, ये रिव्यू है एक्सटेल का। और देखिए, ये मेरे पास चार्जर है, इसका कोई गारंटी नहीं है। और ये जो है मेरे पास जो बैंड है, जो ये राउटर है, ये क्या है, ये लाइफ टाइम गारंटी है। उसने बताया, जिसने लगाया, उन लोगों ने बताया कि ये अगर ये ख़राब हो जाता है तो आके फ्री में ठीक करेंगे या दूसरा देंगे। पर कोई तार कट जाता है जैसे बाहर से, या चार्जर ख़राब हो जाता है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। जब मैं ये लगवाया था तो उसने बताया था कि ये 2360 रुपये की है, मतलब ये फ्री में दे रहा है। 2360 रुपये उसने मुझे लिया है रिचार्ज करने की, और 3 महीने मुझे फ्री दिया है। 300 MPS का स्पीड दिया है और 3 महीने फ्री है। तो ये अभी क्या है, ऑफर चल रहा है, ये फ्री में है। इसके साथ 80 मीटर क्या करते हैं वो लोग, तार फ्री देते हैं। दूसरे वाले तो 100 मीटर देते हैं, पर वो 80 दे रहे, पता नहीं क्यों। तो इसमें मैं जब लगाया था तो 40 मीटर उन लोगों ने ज़्यादा लगा दिया तार, तो उसका अलग से पैसा लिया, मतलब 1 मीटर का 7 रुपया उन लोगों ने लिया। अगर आपके 100 मीटर में, सॉरी 80 मीटर में अगर आपका काम हो जाता है, 1 रुपये नहीं लगेगा, बस 2360 रुपये इसके रिचार्ज के जो पैसे हैं वो देना पड़ेगा आपको, और 3 महीने फ्री मिलेंगे। और ये क्या है, ये गारंटी है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं स्पीड के बता दूँ तो देखिए, इसमें 2 बैंड दिया है, जिसे आपने देखा होगा, एक 5G दिया है और एक 2.4G दिया है, यानी मतलब एक आधा दिया है और एक 5G दिया है ना। तो 5G में क्या है, अगर आप YouTube में मतलब बड़े बड़े वीडियो अपलोड करते हैं, या बड़े बड़े मतलब जैसे मूवी डाउनलोड करते हैं 5GB के, 10GB के, तो अगर मान लीजिए 5GB की मूवी है और उसको डाउनलोड करना है, 5G पे कनेक्ट कर, इसमें 2 बैंड आता है, एक 5G है और एक 2.4 है। तो 5G में अगर आपका फ़ोन अच्छा है, या लैपटॉप मतलब अच्छा कनेक्टर है, सही है, लेटेस्ट फ़ोन है, मतलब उसमें स्पीड सही देता है, तो आपको 5GB की जो मूवी आप करेंगे तो 5 या 10 मिनट में वो पूरा क्या हो जाता है, 5 से 10 मिनट में क्या हो जाता है, वो डाउनलोड हो जाता है अगर आप इससे करेंगे तो। ये तो, ये आप लगवाना चाहते तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लीजिए, आप लोकल एरिया में जैसे ऑफिस है इसका, लोकल आपके आसपास में कहीं ऑफिस है तो आप वहाँ पर जाइए, बात कीजिए कि कितने में लग रहा है, कितने पैसे ले रहे हैं लगाने की। और ये स्पीड इसमें बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जियो और एयरटेल है, उनका रिचार्ज भी इनसे तो महंगी आएगा, जैसे मतलब वो 450 के रिचार्ज करते हैं, 500-600 के रिचार्ज करेंगे तो आपको 200-100 MPS की स्पीड देते हैं, पर इसमें 300 MPS की स्पीड मिल जाता, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ये वीडियो था, मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छे लगे। देखो, मैं ये किसी का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, किसी की बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर मैंने जब लगवाया था तो मैं गया था जियो या एयरटेल के लगवाने के लिए, पर वो हमारे एरिया में नहीं था, अभी नहीं आया है, तो मैंने इसको लगाया और इसको रिसर्च किया तो ये 3रे नंबर पर आया था। पहले पे जियो है, उसके बाद एयरटेल है, और इस 3रे पर आया था। लेकिन स्पीड के मामले में ये, और रिचार्ज के मामले में पैसे बचत करने के लिए, ये सबसे अच्छा आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास TV है और लैपटॉप है, मोबाइल है, 5-6 लोग हैं, तो आप एक साथ मिलकर क्या करें, इसको लगवा लें और 100-100 रुपये मिलाकर आप महीने में रिचार्ज भी करा सकते हैं। नहीं, अगर आप इसका अकेला ही आप रखना चाहते हैं तो इसका रिचार्ज जो है 300 MPS लेंगे महीने के, तो 3 महीने के आता है 2360 रुपये की रिचार्ज होता है, तो आप देख लें कम से कम 800 रुपये महीने की इसका जाता है और रिचार्ज में, तो 800 रुपये आपकी खर्च होंगी हर महीने। पर ये डाउनलोड के लिए, वीडियो एडिट मतलब वीडियो अपलोड करने के लिए, वीडियो डाउनलोड करने के लिए, और TV मोबाइल लैपटॉप चलाने के, और जो नेट है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन। और एक मैं आपको बात बताता हूँ दोस्तों, इसमें क्या है, उन लोगों ने बताया कि अगर मान लीजिए आपके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सर्वर में कोई प्रॉब्लम आता है, तो आपको 1 दिन के नेट क्या करेंगे, वो लोग फ्री देंगे। मतलब कोई प्रॉब्लम आ गया, अगर मान लीजिए आज कुछ प्रॉब्लम आ गया, कहीं तार टूट गया, कुछ भी हो गया, अगर आपका राउटर नहीं चल रहा है, आगे से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब मौसम खराब हो गया, तो मतलब पूरे दिन मौसम खराब रहा, पूरे दिन नेट नहीं चला, तो अगले दिन क्या करते हैं, वो पूरे दिन का आपको फ्री और चलाने की ऑप्शन देते हैं, ये इन लोगों ने बताया। तो मुझे आशा है दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऐसे तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं है, और जो ऑप्शन एयरटेल जियो वाले देते हैं वो सारे ऑप्शन इसमें भी है, तो ये मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे।